अब ये डायलॉग्स हैं डॉक्टर और किंग के दरमियान। वी कैन फाइंड नथिंग रॉन्ग योर मैजेस्टी, हमारे आका हम तो कोई मसला नहीं ढूंढ पाए और ना ढूंढ पा रहे हैं ना ढूंढ सकते हैं। यू डू नॉट सीम टू हैव एनी इलनेस, आपको दिखकर लगता है कि आपको कोई बीमारी नहीं है। किंग, ओह आई फील सो इल, ओह मैं बहुत ही बीमार महसूस करता हूँ। आई अवॉर्ड एनी वन हु फाइंड्स अ क्योर फॉर मी, मैं इनाम दूंगा किसी को भी जो इसका इलाज मेरे लिए तलाश करके ले आएगा। द वर्ड स्प्रेड ऑल ओवर द सिटी, ये अल्फाज पूरे शहर में फैल गए। स्प्रेड का मतलब फैलना, स्प्रेड मीन्स फैलना, स्प्रेड फैलना, अवार्ड इनाम। अ विजिटर, विजिटर कहते हैं मुसाफिर को। अ विजिटर हर्ड अबाउट द रिवार्ड, एक मुसाफिर ने इनाम के बारे में सुना। एंड द किंग्स स्ट्रेंज डिजीज, और बादशाह की अजीबो गरीब बीमारी के बारे में। स्ट्रेंज अजीब, डिजीज बीमारी, स्प्रेड फैलना, विजिटर मुसाफिर, नोट कर लेनी आप लोगों ने। ही वेंट टू अ शॉप, वो एक दुकान पर गए। कौन गए? विजिटर, वो मुसाफिर गया। मे आई हैव अ जार ऑफ दैट स्वीट रेड शरबत प्लीज, क्या मेहरबानी करके मैं ये मीठा सुर्ख शरबत की बोतल ले जा सकता हूँ, ले सकता हूँ। पहले ज़माने में अगर ओल्ड स्टोरी को देखा जाए तो बॉटल, जैसे आप कोक पेप्सी सेवन अप की देखते हैं, तो इस तरह की नहीं होती थी बल्कि कांच की होती थी, जैसे कि आप जिसमें जैम खाते हैं, तो उसे जार कहा जाता था, जे ए आर, जार। द विजिटर आस्क्ड द शॉपकीपर, उस मुसाफिर ने दुकानदार से कहा। देन ही वेंट टू द पैलेस, फिर वो महल की तरफ गया। द गार्ड टुक हिम टू द मिनिस्टर, द गार्ड वो जो चौकीदार वहाँ पे ठहरा था दरवाजे पे, वो उनको वजीर के पास ले गया। क्यों ले गया होगा आपको क्या लगता है बच्चों? क्योंकि क्या वो बादशाह के लिए इलाज लेकर जा रहा था? बादशाह को लगता था कि वो बहुत ही बीमार है, कोई बात ऐसी है जो डॉक्टर्स को पता नहीं चल रही, तो जो भी इस बीमारी का इलाज लेकर आएगा तो वो यकीनन उनको इनाम देंगे। तो जो विजिटर था तो उसने जाके कौन सी मेडिसिन ली, कौन सी दवाई ली? उस विजिटर ने स्वीट रेड शरबत लिया, मीठा सुर्ख शरबत। अब आपके जहन में जामे शिरी आ गया होगा, जामे शिरी जो आपने माह रमज़ान में इस्तेमाल की होगी, ऐसी बात है ना बच्चों? तो ये बात यहाँ तक ख़त्म कर लेते हैं। आपने इनके वर्ड्स मीनिंग नोट कर लेने हैं और इस लेसन को रीड करना है। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में इसको पढ़ेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है बच्चों? लेक्चर नंबर 4 पार्ट 2। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर को हम फौरन ही जल्द ही कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और अपना बहुत ख्याल रखना है और अपने पेरेंट्स की बातें ज़रूर माननी है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।